नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम ले रहे हैं तुलसीदास जी की रचना लक्ष्मण की मूर्छा और राम का विलाप का व्याख्या वाला पहला हिस्सा। इसमें हम आपको संदर्भ, प्रसंग और शब्दार्थों के साथ साथ काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास जी की रचना, जो रामचरितमानस का एक हिस्सा है, उसे यहाँ लक्ष्मण की मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से लिया गया है। सबसे पहले हम इसके संदर्भ को जान लें, और संदर्भ में हम इस तरह से लिखेंगे कि यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के लक्ष्मण की मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचनाकार सगुण धारा के राम रामाश्रयी जो शाखा है उसके प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में हम बताएंगे कि यह लंका कांड से लिया गया है, और इसमें मेघनाद और लक्ष्मण के बीच में युद्ध होने पर जो लक्ष्मण को शक्ति मारी गई थी उससे वे मूर्छित हो गए हैं और उनके प्राणों का संकट आ पड़ा है। उनके बड़े भाई राम उनके जीवन के लिए विलाप कर रहे हैं और इस दुख से पीड़ित हैं कि कहीं उनके इस बंधु की मृत्यु ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी व्याख्या। तव प्रताप और राख प्रभु जयहु नाथ तुरंत अस कह आयस उपाई पद बंद चले हनुमंत। यहां जब सुषेण वैद्य के द्वारा यह कहा गया कि लक्ष्मण के जीवन के लिए संजीवनी बूटी ही एकमात्र विकल्प है और उसे लाने के लिए हनुमान विदा हुए गए और संजीवनी बूटी को ठीक से ना पहचान पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और अपने हाथों पर रखकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए जब वे लौट रहे थे तो उन्हें पृथ्वी से भरत जी ने देखा और इस आशंका से कि कहीं ये श्री राम का कोई शत्रु उनके ऊपर आक्रमण करने तो नहीं जा रहा है, उन्होंने अपने तीर से हनुमान को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। पर पृथ्वी पर गिरते समय हनुमान के मुंह से प्रभु राम का नाम निकला। इससे भरत के मन की वह आशंका मिट गई और वे जान गए कि यह कोई राम का भक्त ही है। तब उन्होंने उसकी सेवा शुश्रूषा की, उपचार किया और उससे बातचीत की और सारा हाल जाना। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे इस तीर पर बैठकर और शीघ्रता से जाओ ताकि बंधु लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सके। इस पर हनुमान कहते हैं, वो इस दोहे में बताया गया है कि मैं आपके परम प्रताप को अपने हृदय में रखकर तुरंत ही प्रभु राम जी के पास पहुंच जाऊंगा, आप चिंता न करें, निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर और भरत जी की आज्ञा पाकर हनुमान वहां से रवाना हो गए और रास्ते भर वो भरत के प्रेम का, उनके गुणों का, उनके शील का मन ही मन जो है वो सराहना कर रहे हैं और प्रशंसा करते हुए आगे जा रहे हैं। भरत बाहुबल
सील गुण प्रभुपद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। दूसरे दोहे में इसी बात को और स्पष्ट किया गया है कि वे भरत के बाहुबल को, उनकी शक्ति को, उनके शील को, आचरण की जो उनकी एक विनम्रता है, और राम के चरणों के प्रति उनके मन में जो अगाध प्रेम है, उसका वे मन ही मन सराहना करते हुए और पवन कुमार अर्थात हनुमान अपने लक्ष्य की ओर चले जा रहे हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ राम उठाए अनुज और लायऊ। अब यहां पर दृश्य परिवर्तन होता है और तुलसीदास जी वहां का हाल बताना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को देखते हुए कह रहे हैं मनुष्यों की तरह साधारण बनकर के उनके मुख से बातें और वचन निकल रहे हैं कि आधी रात बीत गई और अब तक हनुमान वापस नहीं आए। ऐसा कहते हुए उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया क्योंकि सुषेण वैद्य ने कहा था कि प्रातः काल होने से पहले अगर वह दवा संजीवनी बूटी दे दी गई तो उससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तो राम चिंतित हैं कि आधी रात हो गई, दो पहर निकल गए, अब केवल तीसरा पहर शेष रह गया है और अगर वे अब भी नहीं आएंगे तो न जाने क्या होगा। सकहु न दुखित देख मोहि काहु बंधु सदा तव मृदल स्वभाउ मम हित लाग तजेउ पितु माता सहेउ विपिन हिम आतप बाता। लक्ष्मण को संबोधित करके राम कह रहे हैं कि तुम किसी भी तरह से मुझे कभी भी दुखी या व्याकुल नहीं देख सकते थे। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही कोमल था और मेरे हित के लिए आपने अपने ही माता पिता को त्याग दिया तथा मेरे साथ वन में भटकते हुए यहाँ के मौसमों की भीषणता को, गर्मी को, ठंड को, बरसात को मेरे साथ सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठहु न सुनि मम बचन बिकलाई जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। राम कह रहे हैं कि तुम मुझे जरा भी दुखी देखकर व्याकुल हो जाते थे, अब वह तुम्हारा प्रेम कहाँ चला गया। तुम मेरे को इतना व्याकुल और दुखी देख करके भी उठ क्यों नहीं जाते, क्यों मूर्छा में पड़े हुए हो। यदि मैं यह जानता होता कि वन जाने पर मुझे अपने भाई को गवाना पड़ेगा तो मैं पिता के उन वचनों को भी मानने से इनकार कर देता। सुत बित नार भवन परिवारा हो ही जा ही जग बार ही बारा अस विचार जिये जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। राम आगे कहते हैं कि दुनिया में पुत्र, धन, स्त्री, मकान, परिवार ये बार बार मिलते रहते हैं, इनके जाने का कोई शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा आप खुद इस बारे में विचार करिए और हे भाई, अब तुम अपनी इस निद्रा से जागो, क्योंकि सब कुछ संसार में दोबारा मिल सकता है लेकिन सहोदर भाई संसार में दूसरा नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनि करिबर कर हीना अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जल देव जीवावे मोही। फिर वो राम आगे कहते हैं कि जिस तरह
पंखों के ना होने पर पक्षी की दशा हो जाती है, वह अपंग हो जाता है, उड़ नहीं सकता, उसी तरह मेरी दशा हो गई है। जिस तरह मणि वाला सर्प मणि के बगैर व्याकुल रहता है, हाथी की सूंड ना हो तो जो उसकी दशा होती है, वो सारी दशाएं इस समय तुम्हारे बिना मेरी हो रही हैं। इसलिए हे भाई, मेरा जीवन ऐसा ही हो गया है, तो तुम अब अपने इस मूर्छा को त्यागो और मुझे जीवित रखने के लिए उठो, अन्यथा मेरे प्राण भी चले जाएंगे। जय हूं अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। राम कहते हैं, अब मैं कौन सा मोह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा, क्योंकि लोग मेरे ऊपर अंगुलियां उठाएंगे, मेरी भर्त्सना करेंगे कि इसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को ही खो दिया। मैं सारे संसार में इस बात के लिए अपयश उठाने को तैयार हूं कि मेरी पत्नी चोरी चली गई, अपहरण हो गया और मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि स्त्री का नुकसान हो जाना, स्त्री का खो जाना कोई विशेष क्षति नहीं मानी जाती, पर भाई का खो जाना बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए भाई, तुम अपनी मूर्छा त्यागो। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। राम कहते हैं कि हे पुत्र, मेरा यह कठोर हृदय अपयश और शोक अब दोनों को ही उसे सहन करना पड़ेगा। आप अपनी माता के एक ही पुत्र हैं और इसीलिए उनके लिए प्राणों के आधार हैं, आपके कारण ही उनके प्राण बचे हुए हैं, अन्यथा उनके भी प्राण चले जाएंगे अगर आप जीवित नहीं रहे, मूर्छा से वापस नहीं लौटे, तो तुम्हारी माता का भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुलसीदास जी की इस पंक्ति से तो तात्पर्य यही निकलता है कि लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के एकमात्र पुत्र थे, परंतु सत्य यह नहीं है। सत्य तो यह है कि सुमित्रा जी के दो पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो हम टिप्पणी में इसे जरूर लिखेंगे, अर्थ तो ऐसा ही हमको बताना होगा, क्योंकि कविता की पंक्ति में यह है। तुलसीदास जी पर हम आक्षेप नहीं कर सकते, महान कवि हैं, परंतु हम टिप्पणी में ये बात स्पष्ट करेंगे। काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य के बाद एक टिप्पणी भी लिखी जाएगी और उसमें इसी बात को स्पष्ट करेंगे। बहुविधि सोचत नहीं सौंपे से मोह तुमहि गहि पाणी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दयहुं तेहि जाहि, उठ के न मोह सिखावहु भाई। उन्होंने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था, जब हम जंगल को आ रहे थे, वनवास के लिए आ रहे थे, तब तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था कि अब इसका रक्षा का, देखभाल का सारा जिम्मा तुम्हारा है। और उन्होंने इसे ही सब तरह से सुखपूर्वक मेरे हित को, परम हित को मानते हुए उन्होंने ऐसा किया था। अब मैं जाकर के अयोध्या जब जाऊंगा तो माता को क्या उत्तर दूंगा? भाई उठो, मुझे बताओ, समझाओ कि मेरे पास क्या उत्तर होगा, मैं कैसे माता सुमित्रा को समझाऊंगा, उन्हें धैर्य रखाऊंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन,
उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। इस तरह बहुत तरह से सोचते हुए, चिंता करते हुए, विचार करते हुए राम की जो कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें हैं, उनसे आंसुओं की धार बह रही है। वे तरह तरह के विलाप वाले वचन भी बोल रहे हैं, आंसू भी बह रहे हैं, ऐसी उनकी गति हो गई है। तब शिव जी जो उमा को राम जी की पूरी कथा सुना रहे हैं, वे कहते हैं कि संसार में राम परम ब्रह्म है, अद्वितीय है, एक ही है, अखंडित हैं। वे मनुष्य का अवतार लेकर के मनुष्यों जैसी लीला ही कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर आए गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। ये सोरठा है और इसका अर्थ है कि जिस समय प्रभु राम इस तरह से विलाप कर रहे थे, उसे सुनकर जो वानर सेना है वह भी अत्यंत व्याकुल हो रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि एक ओर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, दूसरी ओर राम इस तरह से शोक मग्न हो गए हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनका भी धैर्य छूटा जा रहा था। परंतु जिस समय यह सब हो रहा था, ठीक उसी समय हनुमान वहां पहुंच गए। और तब कवि यह कहते हैं कि यह वैसा ही दृश्य है कि जैसे करुण रस के बीच में वीर रस पैदा हो गया हो। तो इस तरह यह व्याख्या यहां पूरी होती है। और अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो देखिए जो दूसरा दोहा है, इसमें प्रभु पद प्रीति अपार, इसमें पावर्ण बार बार आया है। और इसी की दूसरी लाइन में पुनि पुनि पवन कुमार, फिर पावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और फिर हम यहां देखते हैं, जथा पंख बिनु खाग अति दीना मनि बिनु फनि करिबर कर हीना। यहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि पंखहीन पक्षी का, मणि के बगैर सर्प का और सूंड बिना हाथी का जिक्र किया गया है, तो उपमा भी है और दूसरी आधी पंक्ति में रूपक अलंकार भी है। तो इस तरह यहां पर ये अलंकार आ रहे हैं। और अब हम भाव सौंदर्य लिखेंगे। तो भाव सौंदर्य में हम बताएंगे कि अवधि भाषा में रचना है, दूसरा करुण रस इस पूरे अंश में व्याप्त है, और तीसरा कवि ने इस हिस्से में अपनी संपूर्ण कविता के इस अंश में दो भाइयों के बीच का जो अगाध प्रेम है उसका वर्णन करते हुए संदेश दिया है कि बंधु प्रेम कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। और अब हम वो टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, जिसका मैंने बीच में जिक्र भी किया था कि यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है, सत्य और तथ्य इससे भिन्न है, और वो ये है कि सुमित्रा के दो पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस तरह ये हम व्याख्या पूरी करते हैं। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डालिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।